तो सर एक बात बताइए, जी सर जैसे सर पिग फार्म आप 3 साल से, कितने साल से कर रहे हो? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल से सर कर रहे हो, जी तो सर ये कैसा बिजनेस है सर? नहीं, मैं किसान बिजनेस भाइयों को, बिजनेस ठीक है, जी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सामने वाले को नॉलेज नहीं है तो नुकसान होता है। अगर आप नॉलेज के साथ और प्रॉपर सीखने के बाद काम कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट आता है, लेकिन पहले 1.5 साल में प्रॉफिट की उम्मीद ना करें। 1.5 साल में तो आपका काम प्रॉपर जो है स्टैंड ही हो पाता है। तो जैसे नया फार्मर है सर कोई, जी तो वो ट्रेनिंग लेके करे या सर कैसे करे सर स्टार्ट? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी है तभी आप प्रॉपर कर पाएंगे और उससे प्रॉफिट ले पाएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर इसमें लॉस के चांसेस हो जाते हैं। सर जैसे कोई छोटा फार्मर है, जी कोई सर छोटे फार्म से स्टार्ट करना चाहता है, तो लगभग सर कितनी मात्रा से सर अपना फार्म स्टार्ट करें? देखिए, डिपेंड करता है कि सामने वाले का बजट कितना है, बजट कितना है? लेकिन मेरी सलाह यह है कि कभी भी जब आप फार्मिंग शुरू करते हैं तो छोटे काम से ही स्टार्ट करिए। समय ज़रूर लगेगा लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आस्ते आस्ते आप अपने काम को डेवलप करते चले जाइए। तो कुल मिला के सर कैसा बिजनेस रहा सर ये? नहीं, बिज़नेस ठीक है, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मार्केट की बात की जाए, जैसे इतने फार्म खुल रहे हैं सर, जी तो सर सेल में तो सर कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं सर? नहीं सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में, लेकिन वही है, इसमें लगभग देखने में आया है 50% लोग फेल भी हो जाते हैं। जैसे सर सेकंड टाइम चल रहा है सर कोरोना का सर, तो इसमें सर सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है ये सर के सर भाइयों नहीं, को? कोरोना के दौरान प्रॉब्लम आई थी सेल में, जैसे लॉकडाउन लग गए थे, रोड बंद हो गई थी, तो बीच में माल सेल नहीं हो पा रहा था, जी लेकिन बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुला पूरा माल सेल हो गया था, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई देखिए, मैं किसानों से, स्पेशली जो नए किसान हैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि फीड की जो प्राइस है काफ़ी बढ़ गई है, और आप जो है प्राइस जितना बढ़ा है और जितना आपका जानवर के ऊपर खर्चा आ रहा है उसी हिसाब से आप अपने जानवरों को सेल करिए। सस्ते में ना बहाएँ, सस्ते में ना दें, आप अपनी कॉस्टिंग निकालें कि आपका खर्चा कितना आ रहा है एक पिग्स को पालने में, उसी के अनुसार आप अपना प्राइस रखें। अगर आप सस्ता देंगे तो घाटे में जाएंगे, घाटे में जाओगे तो आपको मजबूरी में फार्म बंद करना पड़ेगा, इसलिए अपना जो कीमत है उसे कम ना करें।